विलेज के फरवाड़ है, लेकिन ये कुंभादरी के पास कॉटन गुरु प्रदर्शनी क्षेत्र है। यहाँ भी 7 एकड़ का पूर्ण प्लाट है। यहाँ में 3 एकड़ अभी मल्चिंग पर कपास लगाना चालू है। आज का डेट है 7 जुलाई। फिर जो बचे 100 प्लाट है वो 4 एकड़ का है, वो भी अभी लगाना चालू है। अभी कपास तो आज लगाना चालू है, लगाने के बाद 5-6 दिन में जर्मिनेशन हो जाता, फिर 8 दिन के बाद हम आके यहाँ का सिचुएशन देखे, फिर अगले स्टेप में क्या करने का, ड्रिंचिंग कैसा करने का, स्प्रे कैसा करने का, और वो क्या फीलिंग, और 2 झाड़ लगा रहे यहाँ, 1 झाड़ को निकाल देने का, फिर कौन सा झाड़ निकालने का, कौन सा रखने का, वो सब देखने का रहता है। अभी तो आज 7 जुलाई को यहाँ पर सोइंग तो चालू है, मल्चिंग पर 3 एकड़ है, विदाउट मल्चिंग पर 4 एकड़ का प्लाट है। या तो हम अभी सेकंड टाइम विजिट पर आए, इसके पहले सोइंग के पहले आए थे, सोइंग पहले यहाँ का जमीन का या सब देखे थे हम। तो या कब अभी का जो सिचुएशन है, उत्तर दक्षिण पर लगा रहे नो प्लाट, हम तो पूर्व पश्चिम बोले, लेकिन यहाँ का स्विंग पैटर्न अभी चेंज हो गए। या अभी का जो स्पेसिंग है उत्तर दक्षिण यहाँ पर लगा रहे। अभी सेकंड टाइम विजिट हो गए हम, फिर जर्मिनेशन के बाद हम और एक बार आते ऐसा ये प्लाट हम। तभी ये खेत आपके गाइडेंस में होने वाला है, यहाँ पे खेती ये हमारे गाइडेंस के ऊपर चलने वाला प्लाट है लास्ट तक। या हम हर 8 दिन को 15 दिन को एक बार विजिट करते, जैसा जैसा विजिट का टाइम होता है, जैसा जैसा आते हैं, हार्वेस्टिंग के लास्ट तक हमारा यह विजिट चालू रहता है। तो आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो नेक्स्ट एक्शन क्या होगा वो आप तब बताएंगे। हाँ, उस समय जब जर्मिनेशन होने के बाद हम नेक्स्ट टाइम क्या करने का है, ये हम जब हमारा प्लानिंग भी रहता है, जब हम जो बोलते वो आप वीडियो में निकालते। श्योर, चले फिर प्लॉट पे। चालू है अभी सोइंग, आज हो जाता है, होने के बाद हम 8 दिन के बाद आते, जब पौधे बाहर निकल के रहते, जब पौधे निकलने के बाद जब का ड्रिंचिंग कैसा करने का, स्प्रे करने का, हम जब का सिचुएशन देख के हम प्लाट को आगे बढ़ाते। थैंक यू।